होममेड डिशेस। आज हम चिकन शावरमा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैंने चिकन को इस तरह लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। चलिए उसमें इसे मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें 2 चम्मच मैं दही डालूंगी। दही हमें बिल्कुल थोड़ा डालना है, अगर वो ढीला ढीला हो जाएगा तो हमारे चिकन क्रिस्पी नहीं बनेगा। 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाला। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। ये चिकन तंदूरी मसाला मैंने 1 टीस्पून डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून नमक, मैं 1/2 लेमन ली हूँ, उसका जूस अच्छे से डालूंगी। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, इससे हमारा मैरिनेट अच्छा हो जाएगा चिकन। थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। अब मैं चम्मच की मदद से अच्छे से इसे मिला लूंगी। देखिए हमारा मैरिनेशन मैंने कैसा किया है, बिल्कुल मैंने दही वगैरह कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला, इतना ही हमें डालना है। इससे ज़्यादा होगा तो चिकन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बस हमें इसे क्रिस्पी रखना है, तो मैंने दही बिल्कुल थोड़ा डाला है और ऑयल डाला है, तो मसाले हमारे चिकन को अच्छे से कोट हो जाएंगे सारे मसाले। इसको हम अच्छे से 1 घंटा या 2 घंटा, आपके पास अगर वक्त है तो आप 2 घंटे भी रखेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, मैरिनेशन बहुत अच्छे से होगा। अब मैं इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देती हूँ। शावरमा की रोटी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम्स मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लूंगी, थोड़ा सा ये खाने का मीठा सोडा है, ये 1/2 टीस्पून जितना मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 टीस्पून ऑयल डालूंगी। 1/2 कटोरी मैं इसमें खट्टा दही डाल रही हूँ, इससे हमारा अच्छा आटा फुला फुला बनेगा। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली है, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा कर मैं पानी डालूँगी, 1 मीडियम जो हम रोटी बनाते हैं घर पर उस तरह का आटा बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। इसमें मैंने ईस्ट वगैरह कुछ नहीं डाला है, दही और सोडा डाला है, मीठा सोडा, जब जो हम इडली वगैरह में डालते हैं वही सोडा मैंने इसमें डाला है। अगर हम इसे 2-3 घंटे तक अच्छे से रेडी कर रखेंगे रेस्ट करने के लिए तो अच्छे से वो फूल जाएगा, हमें ईस्ट की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे हमारी शावरमा की रोटी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए मैंने अच्छे से पानी लगाकर इसे अच्छे से गूंद लिया है, थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगाकर इसे ढककर रख दूंगी, 2-3 घंटे के लिए रख दूंगी, हमारा चिकन भी तब तक मैरिनेट हो जाएगा। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अब हम उसे फ्राई कर लेंगे। मैंने एक पैन लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून जितना मैंने उसमें ऑयल डाला है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे, थोड़ा दूर दूर डालना है हमें चिकन के पीसेस। देखिए सारा चिकन मैंने डाल लिया है और हाई फ्लेम पर इसे मैं पकाऊंगी। देखिए एक साइड ये थोड़ा सा हो चुका है, मैं इसे पलटा लूंगी, सारे चिकन को ऐसे पलटा लूंगी। हाई फ्लेम पर ही हम इसे चलेंगे, अगर फ्लेम को लो कर लेंगे तो इसका पानी बहुत सारा छूट जाएगा और चिकन हमारा टुकड़े हो जाएगा। हमें इसे क्रिस्पी रखना है तो हाई फ्लेम पर ही हमें इसे पका देना है। देखिए हमारा चिकन हो चुका है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा हमें इसे नहीं गलाना है, बस क्रिस्पी करना है। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो पीसेस को बड़े बड़े लें, अगर उसका पानी ज़्यादा छूटेगा तो बहुत गल जाएगा। आप ज़्यादा बना रहे हैं तो पीसेस को बड़े बड़े रखिए। अब ये रेडी हो चुका है, मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। शावरमा का चिकन तैयार हो चुका है, अब हम आटा चेक कर देते हैं। देखिए आटा हमारा अच्छे से फुला फुला हो गया है, मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना फूल कर आया है। ये 2 घंटे मैंने इसे रेस्ट के लिए रखा था, थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मीडियम साइज़ की लोई बनाकर, मीडियम साइज़ का थिकनेस रखकर बेल लूँगी।
इतनी साइज की मैं सारी लोइयां बना लूंगी। हम रोटी को बेल लेंगे। मीडियम साइज की बड़ी या छोटी आप अपने अंदाज से रोटी बना सकते हैं। देखिए मैं मीडियम साइज की रोटी बनाकर तैयार कर ली हूँ। इतना साइज थिकनेस है हमारी रोटी की। अब हम उसे सेक लेंगे। अब मैं इसे पलटा लूंगी। लो फ्लेम पर मैं इसे सेक रही हूँ। देखिए कितनी फूल रही है रोटी हमारी। मैंने इसमें ईस्ट वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ दही और सोडा डाला है। मैं थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा लूंगी दोनों से। इससे हमारी रोटियां सॉफ्ट रहेंगी। लो फ्लेम पर मैं इसे दोनों साइड अच्छे से सेक लूंगी, ऐसे दबाते हुए सेक लूंगी। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फुली फुली बहुत अच्छी रोटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे ही मैं सारी रोटियों को बना लूंगी। हम शावरमा के लिए लाल चटनी बना लेंगे। लाल चटनी के बनाने के लिए मैंने रेड चिली सॉस लिया है। आप टमाटर की भी चटनी बना सकते हैं। 2 टीस्पून रेड चिली सॉस डालूंगी। 2 टीस्पून टोमेटो केचप डालूंगी। अगर और तीखा चाहते हैं आप तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, या बच्चों को देना है तो सिर्फ केचप डालकर भी आप बना सकते हैं। मैंने केचप और रेड चिली सॉस डाला है। आप इसमें चाहे तो लेमन भी डाल सकते हैं, आपके टेस्ट पर कुछ भी आप बना डाल सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। चिकन शावरमा के लिए मैं ऊपर डालने के लिए थोड़ी सी वेजीज ली हूँ। ये पत्ता गोभी है, छोटे छोटे बारीक स्लाइसेस में मैं इसे कट कर ली हूँ, और एक शिमला मिर्च बारीक स्लाइसेस में कट कर ली हूँ। एक ऑनियन को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, और थोड़े से गाजर। इन सारे वेजिटेबल्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा नमक इसमें डाल लूंगी। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा लेमन जूस मैं इसमें डाल लूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हम ये वेजीज को लास्ट में ही तैयार करना है, वरना प्याज का पानी छूट जाएगा और बहुत नरम पड़ जाएगी। हमें लास्ट में ही जब हम पराठे में ये रखते हैं तभी उसे नमक और नींबू डालकर मिक्स करना है। चलिए तो शावरमा रेडी कर लेते हैं। मैं इसमें पहले मायोनीज को अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। मायोनीज को अच्छे सारे पराठे पर मैं लगा लूंगी। पराठा कहते हैं, रोटी कहते हैं, आप जो भी चाहे बोल सकते हैं। मैं इसे इस पर लगा लूँगी। अच्छे से हमें मेयोनीज को पराठे पर भरकर लगाना है। सारा मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है। तो चलिए मैं चिकन डाल देती हूँ। ऐसे लंबाई में हमें चिकन को डाल लेना है। अब इस पर मैं थोड़ी सी पुदीने की चटनी डालूंगी। हरा धनिया और पुदीने की चटनी है, उसे थोड़ा सा मैं डालूंगी। अब मैं इस पर लाल चटनी डालूंगी, जो आपको मैंने बताया था रेड चिली पेस्ट और टोमेटो केचप से, मैं वो इस पर थोड़ा सा डाल लूंगी अच्छे से। अब हम इस पर वेजीज को डाल लेंगे। ऐसे लंबाई में जहाँ हम चिकन डाल चुके हैं वहां पर सारे वेजीज डाल लेंगे। मैंने इसे अच्छे से भर लिया है। अब इसे टिश्यू पेपर से रैप कर लूंगी। देखिए टिश्यू पेपर को मैंने ऐसे ट्रायंगल भी बना लिया है और नीचे रख दिया है। इसे इस साइड से और इस साइड से मोड़ लूंगी, और उसके बाद ये टिश्यू जो है इस तरफ फोल्ड करूंगी, ये इस तरफ अच्छे से वो पीछे कर यहाँ पर एक ये टूथपिक लगाकर फिक्स कर लूंगी, वरना वो खुल जाएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा मेयोनीज डाल लूंगी। देखिए
हमारा शवरमा बनकर रेडी। ऐसे ही मैं सारे शवरमा बना लूंगी। देखिए हमारा चिकन शवरमा बनकर रेडी हो चुका है, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स कर बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। Final.